आलिया, सुना तुमने राहिल, आपको किस कदर गुस्से में मुझे आवाज दे रहे थे। अगर मैं ना जाती तो मुझे कितना डांटते। तुमके पुकारने के बावजूद भी मैंने तुम्हें इसीलिए जाने से मना किया था ना। ये क्या तरीका है राहिल, हर चीज का जवाब दे मुझे ही होना पड़ेगा। आलिया प्लीज थोड़ा सा बर्दाश्त करना सीखो, ये छोटी-छोटी बातें घर का माहौल खराब कर देती। तो ये बात सबको समझाओ ना, मैं इस माहौल और मिजाज की आदी नहीं हूँ जो इस घर में मुझे देखना पड़ रहा है। तो तुम्हारे मुकाबले में भी तो तुम्हारे ही घर का फर्द है, फातिमा भाभी भी तो उसी माहौल से आई है। तुम कहना क्या चाहते हो, कि मेरे घर का माहौल खराब है? बुरी फैमिली से आई हूँ मैं। तो माहौल में कुछ ज्यादा फर्क भी नहीं आलिया, और हमारी शादी से पहले तुम्हारे अब्बू ने जो किया वो क्या? देखो राहिल, मेरे बाबा को मिसाल मत बनाओ, ये देखो कि तुम्हारे अब्बू क्या कर रहे हैं। क्यों ललकारा जाता है एक बहू को दूसरी बहू के उकसाने पर? आलिया प्लीज, देखो तुमसे प्यार करता हूँ और मैं जानता हूँ कि तुम्हारी उम्र नहीं है कि इन मसलों को सुलझाओ, लेकिन तुम्हारा ये लड़ाका औरतों वाला अंदाज मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो साफ साफ बोलो ना कि तुम्हारा दिल भर गया मुझसे। दिल तो सारी उम्र भी मेरा तुमसे नहीं भरेगा। मैं एक दिन भी तुम्हें ना देखूं तो मेरा दिन बहुत बेसुकून गुजरता है, मैं पूरा दिन बेचैन रहता हूं। लेकिन अब अपने ही घर में मेरा दिल नहीं लगता। प्लीज मेरी बात को समझो। चलो मेरे साथ, चलो चलो।